दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबिये आज आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। मैं बात करने वाला हूँ, आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ नो स्कार क्रीम के बारे में। मतलब नो स्कार क्रीम का मैं आपको रिव्यू दूंगा। आपने नो स्कार क्रीम के बारे में दूसरे से और या फिर वीडियोस में या पेपर्स में आपने देखा होगा, सुना होगा नो स्कार क्रीम के बारे में। आपको किसी ने भी इस क्रीम के बारे में पूरा रिव्यू नहीं बताया होगा। मतलब वीडियो देखे होंगे आपने, तो वीडियो में आपको किसी ने भी पूरा रिव्यू नहीं बताया होगा। मैं आज आपको उसके बारे में पूरा रिव्यू बताऊंगा। मैं आज इस वीडियो में नो स्कार क्रीम का रिव्यू लेकर आया हूं। आज मैं बताऊंगा उपयोग, इसके उपयोग क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसे लगाना कैसे है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके प्रिकॉशन क्या है। इसका इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो नो स्कार क्रीम के बारे में आपने न्यूज़ टीवी में देखा ही होगा। जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं, इस क्रीम में लिखा है, मतलब आप देख सकते हैं वीडियो में लिखा है, प्रॉपर ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। इसमें लिखा है अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा, खुद से कर ले प्यार वरना बन जा स्टार मेरे यार, खुद से कर ले प्यार बन जा स्टार मेरे यार। मतलब कंपनी एडवर्टाइज करने, मतलब दवाई का, क्रीम का एडवर्टाइज करने में इस तरह से देती है कंपनी। टैग देख सकते हैं आप, मोनो टैग देख सकते हैं उसका, लिखा है अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा, खुद से कर ले प्यार बन जा स्टार मेरे यार। मतलब इस प्रकार के एडवर्टाइज देती है जैसे कि ये जादू की छड़ी है क्रीम। मतलब कंपनी इस टाइप का एडवर्टाइज देती है। ये 20 ग्राम की क्रीम है, 20 ग्राम की क्रीम है, 259 रुपये इसकी MRP है क्रीम की, आप देख सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं अपन, कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, यह क्रीम किस किस दवाई, किस किस फॉर्मूले से मिलकर बनी है। इसमें है हाइड्रोक्विनोन। नो स्कार क्रीम के इंग्रेडिएंट की बात करी जाए तो इसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटिनोइन, मोमेटासोन इसके इंग्रेडिएंट हैं। हाइड्रोक्विनोन है इसमें और ट्रिटिनोइन है और मेमेटासोन फ्यूरेट। यह एक स्टेराइड क्रीम है, ये क्रीम जो है एक स्टेराइड क्रीम है। इसके यूजेस की बात करते हैं, अब मैं इसके यूजेस के बारे में आपको बताऊंगा। आप अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। आपने चेहरे से दाग, धब्बे, सर्कल हटाने के लिए इस क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल खास तौर पर फेयरनेस के लिए किया जाता है। ये क्रीम बहुत ज़्यादा असरदार है दोस्तों। यदि आप कुछ दिनों तक क्रीम का यूज़ करते हैं तो कुछ दिनों बाद चेहरे को गोरा बना देती है और चेहरे से दाग धब्बे को हटा देता है। दोस्तों, नो स्कार क्रीम काले दाग धब्बे हटाकर दाग को बेदाग कर देती है। क्रीम को लगाने से आपको 100% फ़ायदा होगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। जले हुए निशान को मिटाने में काम आती है, पिंपल्स के निशान होते हैं उन्हें मिटाने के लिए काम आती है, आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं उन्हें मिटाने के काम आती है, प्रेगनेंसी के जो स्ट्रेस मार्क होते हैं उसे मिटाने के काम आती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं में स्ट्रेस मार्क आ जाते हैं पेट के नीचे हिस्से में, उसे मिटाने के काम ये क्रीम आती है। मतलब स्ट्रेस मार्क को ये मिटा देती है, हटा देती है, स्किन को फेयरनेस लाने के काम आती है ये नो स्कार क्रीम जो है। इसके आपने उपयोग देख लिए कि मतलब क्या क्या इसके उपयोग है, सारे उपयोग मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताऊंगा कि आपको लगाना कैसे है।
इस क्रीम को सिर्फ रात के समय सोते समय एक ही बार रात में अफेक्टेड एरिया पर हल्के हाथों से उंगलियों से मसाज करना है। मतलब आपको सिर्फ रात में लगाना है इसको अफेक्टेड एरिया में, थोड़ा सा उंगलियों में लेकर हल्का हल्का मसाज करना है जहाँ पर आपको जहाँ आपको स्किन पे अफेक्टेड एरिया है। चेहरे में क्रीम लगाने से पहले चेहरे को पानी से साफ धो लें या साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। आप चेहरे धोने के लिए फेस वॉश का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्रीम लगाना है। आप मतलब पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, आप फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं, आप मतलब कहना चाहिए कि साबुन जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं चेहरे को साफ करने के लिए। इसके अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, नो स्कार क्रीम के साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले आप इस क्रीम का इस्तेमाल करोगे तो एक से दो हफ्ते के बाद ही आपके आपको चेहरे पर जलन होना शुरू होगा। मतलब आप इसको एक या दो हफ्ते यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा होगा कि आपका चेहरा जलन करना स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। मतलब आपका चेहरे में लगेगा मुझे जलन हो रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके चेहरे पर रेडनेस आना चालू होगा, मतलब चेहरा लाल लाल हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, टमाटर देखा होगा, टमाटर कैसे लाल हो जाता है, वैसे ही आपकी स्किन लाल हो जाएगी। और जब आप धूप पर निकलेंगे तो चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होगी। यदि आप इस क्रीम का उपयोग ज़्यादा दिनों तक करोगे तो आपका चेहरा जलकर राख जैसा हो जाएगा। मतलब इस क्रीम का उपयोग यदि आप ज़्यादा दिनों तक करते हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा चेहरा एकदम राख की तरह जल रहा है। मतलब ऐसा लगेगा कि आपका चेहरा जल गया है, चेहरा देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा और चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट में बात की जाए तो और साइड इफ़ेक्ट है इसके, नो स्कार क्रीम लगाने पर स्किन पतली हो जाती है और त्वचा रूखी सूखी हो जाती है, आँखों के आसपास जलन होती है। दोस्तों, नो स्टार क्रीम लगाने के बाद चेहरे की त्वचा से ऊपरी लेयर उतर जाती है, जिस वजह से चेहरा गोरा दिखाई देता है, चमकदार लगता है, लेकिन त्वचा पतली हो जाती है। ये क्रीम आपकी त्वचा की स्किन को एकदम पतला बना देती है। ये क्रीम आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देती है। नो स्कार क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से स्किन रेड हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक बार इस क्रीम का इस्तेमाल कर गोरा हो जाते हैं फिर यूज़ नहीं करेंगे, मतलब आपके मन में यदि ऐसा कुछ आ रहा है, मगर दोस्तों आप गलत फहमी में मत रहिएगा। इस क्रीम को लगाने के बाद आप गोरे तो हो जाएंगे पर जैसे ही लगाना छोड़ेंगे क्रीम अपना साइड इफ़ेक्ट देना स्टार्ट कर देगी। मतलब जब तक चेहरे पर स्टेरॉइड का असर रहेगा तब तक चेहरा गोरा दिखेगा। 2 से 3 महीने बाद क्रीम छोड़ने के बाद आपकी स्किन अपनी नेचुरल टोन में आ जाएगी, मतलब आपकी स्किन पहले जैसी थी वैसी ही हो जाएगी। आप सोच रहे कि क्रीम लगा के मैं गोरा हो जाता हूँ और हमेशा इसमें गोरा दिखूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप क्रीम लगाना छोड़ दोगे तो आपको 2 से 3 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन पहले जैसी थी वैसी ही हो जाएगी। देखिए यार, नेचुरल स्किन नेचुरली होती है, नेचर से आपको जैसी स्किन दी गई है वैसी ही रहेगी, क्योंकि वह कुदरत की देन है। यदि आप कुदरत के प्रति वफादार नहीं रहोगे तो कुदरत आपको बख्शेगी नहीं, आपको उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। मतलब आपकी स्किन पहले जैसी थी वैसी ही फिर से वापस आ जाएगी। ये है इस क्रीम की सच्चाई, मैंने आपको इस क्रीम की सच्चाई बता दिया। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्रीम लगाना है या नहीं लगाना है, लेकिन जो इस क्रीम की सच्चाई है उसे कोई झुठला नहीं सकता। सच्चाई मैंने आपको बता दिया। अब इसके मैं आपको इसके प्रिकॉशन बताऊंगा कि आपको इसको लगाने के बाद यदि आपको कुछ हो जाता है तो इसका आप प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं। मतलब जब भी आप इस क्रीम को लगाएं, सिर्फ रात में सोते समय ही इस क्रीम को लगाएं। मतलब इसको लगाने का जो तरीका है कि कैसे लगाना है, प्रिकॉशन कैसे कैसे यूज़ करना है। आपको इस क्रीम का उपयोग सिर्फ स्किन के अफेक्टेड पार्ट पर लगाना है। मतलब आप ये नहीं कि आप पूरे स्किन में लगा लें, अपने चेहरे पूरे चेहरे पर लगा लें,
इसके सिर्फ अफेक्टेड पार्ट में लगाना है आपको, कि स्किन मेरा पिंपल्स हो गए, गहरे दाग सर्कल हो गए आँख के नीचे, या फिर दाग धब्बे हो गए हैं, उनको मिटाना है, उसमें आप इसको कर सकते हो। पर पूरे चेहरे में बोलो तो पूरे चेहरे में इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। मैं जो रिकमेंडेड करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अगर आपको शरीर में पैरों पर हाथों पर मार्क्स है, निशान है, चेहरे को छोड़कर आपको कहीं भी मार्क्स है जहाँ पर आपकी स्किन एक्सपोज नहीं होती है, तो आप वहाँ पर इस क्रीम को लगा सकते हैं। मैं इस क्रीम को किसी को भी फेस पर लगाने के लिए रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ दिन की फेयरनेस के लिए आप अपनी प्यारी सी स्किन जो कुदरत की देन है को डैमेज नुकसान पहुंचा सकते हो, इसलिए मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूंगा। आप क्रीम को लगाकर दिन के समय में धूप में जाने से बचें। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तो आप अम्ब्रेला यानी छत्ता लेकर बाहर निकलें, मतलब आप इसको क्रीम को धूप में लगाकर ना निकलें, आप अवॉइड करें, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होती है स्किन को सेंसिटिव बना देती है, इससे आपको जलन होने लगेगी बहुत ज़्यादा चेहरे में। लेकिन आप टेम्परेरी गोरा होना चाहते हैं या आपको स्ट्रेस मार्क है तो आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि मुझको यार टेम्परेरी गोरा होना है तो आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको इस क्रीम से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ है या हो रहा है तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, और सलाह लेना ही है आपको। यदि इस क्रीम से आपको मतलब दुष्परिणाम हुए हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन नो स्कार क्रीम के बारे में। दोस्तों आपका निर्णय है, आप डिसीज़न ले सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्रीम यूज़ करना है या नहीं करना है। आपका चेहरा 100% गोरा होगा, आपका चेहरा 100% बेदाग होगा इस क्रीम को लगाने के बाद, लेकिन दोस्तों आपको इस क्रीम से उतना ही साइड इफ़ेक्ट होगा जितना इसका रिज़ल्ट होगा, मतलब जितना रिज़ल्ट मिलेगा उतना इसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप सोच समझ कर इस क्रीम का उपयोग करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।